वसुधा महाराज, ताई ने झांसी के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने युवराज के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। महाराज, आज से आनंद भी हमारा पुत्र है। हमने ईश्वर से एक पुत्र की प्राप्ति मांगी थी और ईश्वर की कृपा से हमें दो पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हमारा एक नहीं, हमारे दो पुत्र हैं। झांसी बहुत भाग्यशाली है महाराज। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। धन्य देवा, हमारे बच्चों को किसी की बुरी नजर नहीं लगी। दामोदर, तुम नहीं जानते आनंद ने आज क्या खोया है। हम तेरे साथ सदैव रहेंगे। लक्ष्मी बाई तेरी हर इच्छा को पूरा करेगी। आज से हम ही तुम्हारी माँ हैं। ताई ने आज दामोदर के लिए अपने प्राण न्योछावर करके तो हमें अपना ऋणी ही बना लिया। हम नहीं जानते बाबा, हम उनका ये उपकार कैसे चुकाएंगे। झांसी के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए उन्होंने अपने ही प्राण त्याग दिए, परंतु हम आनंद को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। उसे बहुत प्यार करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अपने पुत्र समान। मनु बेटे, भगवान ने तेरे आंचल में इतना मातृत्व भर दिया है कि दुनिया के सारे बच्चे भी उसमें समा जाएं, तो तेरे स्नेह की कभी कमी नहीं पड़ेगी। आओ चले, युवराज के कर्णवेद संस्कार के पश्चात प्रजा उनके दर्शन की अभिलाषी है। क्षमा मान्यवर, महाराज का आदेश है, सभा में प्रवेश करने से पूर्व सुरक्षा के दृष्टि से सभी की जांच की जाए।
किसी की मौत उसकी नसीब है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। मैं तो नसीब की मदद कर रहा हूं। बस बस बेटा, चुप चुप चुप। पता नहीं इतनी रात को कौन बीन बजा रहे। क्या बात है लक्ष्मी? पता नहीं महाराज, इतनी रात को कौन बीन बजा रहा है। इसी बीन की आवाज से आनंद भी जग गया। देखिए ना कितना रो रहा है। कौन है जो इतनी रात को बीन बजा रहा है? अरे देखो, इतने रात को बीन कौन बजा रहा है? और उसने कहा कि स्पीकर बंद करे।
बात तो तू हमें मिला है। भगवान इतना भी क्रूर नहीं हो सकता। नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे दामोदर, कुछ भी नहीं। महाराज आप चिंता मत कीजिए, हमारे दामोदर को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हमें उस सर्प को शीघ्र वापस बुलाना होगा महारानी, आंखें पथराई जा रही हैं युवराज की। यदि वो सर्प वापस आकर इनके शरीर से विष नहीं निकाला तो जल्दी बुलाओ आपको, तुम लोग शीघ्र भी बचाओ, जल्दी बुलाओ। हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे बेटा, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। शीघ्र ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? आप इतने भयभीत क्यों हो गए? हमारे युवराज को औषधि दीजिए ना। युवराज की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है महारानी, विष पूरे शरीर में फैल चुका है। अभी ने बचाना जगह है महारानी, पर वो मेरे धर्म के खिलाफ है, शायद आप भी नहीं करेंगी। कौन सी? कौन सी? हम अपने राजकुमार को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। आप हमें बताइए क्या उपाय है। अंग्रेजी दवा। वो अंग्रेजी डॉक्टर के पास ही होगी महारानी। उत्तमोत्तम लीलाओं की रचना करने वाले आज तक इस परम भक्त आज से कुछ नहीं। भोलेनाथ आज आपके द्वार पर अपने पुत्र के जीवन की मांगने आया हूं मैं। हे दामोदर के प्राणों की रक्षा कर, हे भोलेनाथ तेरे पुत्र के जीवन की रक्षा कर।
हमारे बेटे को सांप ने काट लिया है। जल्दी। सॉरी, वो तो हमारे पास नहीं है। आप लोग यहाँ से जाए। डॉक्टर! एक बार बोलना मेरे से नहीं है। लीव मी। औषधि दे अभी, अभी दे, वरना तेरा वो हल करेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। प्लीज योर एक्सलेंसी, जाने दीजिए। नहीं आने साहब, नहीं छोड़ेंगे अभी से। हमारे युवराज के प्राण संकट में है और ये औषधि देने से मना कर रहा है, वहां डालेंगे इसे। आप शांत हो जाएगा दादाजी, शांत हो जाएगा। डॉक्टर, मेडिसिन दो। यहाँ मेडिसिन नहीं है। झूठ बोल रहा है। औषधि यही है औषधि। बता हमें औषधि कहाँ है। See, you don't believe me, look for yourself. हमें औषधि मिल गई रात भाई जी, हम औषधि ले आए। अब और देर नहीं कर सकते।
दामोदर की अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, हम तो इस बात से प्रसन्न थे कि हमें मुखाग्नि देने वाला इस जीवन में आया है। राज नियति ने उसी की अंत्येष्टि करने पर विवश कर दिया। महाराज, उसकी इच्छा कौन बदल सकता है? हम तो केवल एक दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं। ईश्वर की लीला तो ईश्वर विश्वास है ईश्वर पर जो तो जीवन में आशा के चरण का दौर उसी को नहीं अविश्वास सेवक आपकी पीड़ा जानता है परंतु महाराज आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस राज्य के नरेश हैं आप। आपकी सारी प्रजा आज आपकी ओर देख रही है। जरा सोचिए अनु और आपकी प्रजा पर क्या बीत रही होगी। केवल आप हैं जो उनका सहारा बन सकते हैं, उन्हें शांति दे सकते हैं। चादर ले आओ बेटा, अंतिम स्नान के बाद अंतिम वस्त्र यही होते हैं। आज भी हम ही करवाएंगे अपने दामोदर को स्नान नहीं करवाएंगे। अब तू ही चंदा है, सूरज है मेरा, मेरी ममता की दुनिया में किया उजियारा, मेरी आंखों का तू नूर बेटा प्यारा। तुम तो बड़े हो गए थे ना, चलने लगे थे, हम तो सोचते थे कि तुम बड़े होकर हमारा सहारा बनोगे। जिन हाथों से तुम्हें राज मुकुट पहनाने की अभिलाषा रख रहा था से सुबह होती थी
मुस्कान से रात होती थी, इन हाथों से तीर तलवार चलने के सपने देखते थे, इन कंधों पर झांसी का भविष्य देख रहे थे। तुम चुप क्यों हो दामोदर? कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो अपनी माँ से। दामोदर को हमें दे दो लक्ष्मी। उधर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। दामोदर को हमें दे दो लक्ष्मी। नहीं महाराज, नहीं। हमारे दामोदर को हमसे दूर मत लेके जाइए। नहीं। ये देखिए महाराज, बड़े से बड़ा घाव भर देता है। ये घाव कभी नहीं भरेगा मेरी साहब। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।